हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अनिरुद्ध सिंह जादौन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आप देख रहे हो संडे हम लोग बहुत बोर हो रहे थे। मैंने अपनी मम्मा से कहा हमें कहीं घुमाने लेके चलो, तो मम्मा ने कहा चलो तुम्हें लेके चलती हूँ जयपुर की जलधारा दिखाने। और ये हमने एंट्री की, यहाँ 50-20 रुपीज़ की टिकट्स थी बच्चों की एंड बड़ों की अलग। हम देख रहे थे मम्मा हमें कहाँ लेके आ गई हैं, ये जगह तो थोड़ी बोरिंग लग रही थी, आप देख रहे हो ना। तो हम अभी देख रहे थे कि आखिर हम लोग यहाँ करें क्या, और ये साथ में मेरी बहन है। हम फिर भी हमने सोचा चलो ठीक है चलते हैं, कुछ तो हमें यहाँ इंटरेस्टिंग मिलेगा देखने के लिए। और मैं तो बहुत बोर होने लग गया कि यार मम्मा आज मुझे कहाँ लेके आ गई है, संडे मेरा खराब ना हो जाए। भीड़ तो यहाँ पे ठीक थी, ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। ठीक है चलो देखते हैं, ये भी एक नई जगह है, मैंने अभी तक जलधारा को देखा नहीं था, सिर्फ सुना ही था कि जलधारा वापस से जयपुर में खुल गई है। और यहाँ कुछ बच्चे जाल में फ़ोटो खिंचा रहे थे। मैं फिर से चलने लगा, चलते 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 मैंने देखा यहाँ पानी, ओ माय गॉड ये तो गंदा पानी है। हा, क्या हम यहाँ पे क्या करने आए हैं मुझे नहीं पता। और यहाँ पे थोड़े झूले भी थे, पर मेरा झूला झूलने का बिल्कुल मन नहीं था। और ये देख रहे हो आप, यहाँ से धारा निकल रही है इसलिए इसको जलधारा बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं पता। और यहाँ पे एक फाउंटेन भी दिख रहा है दोस्तों, चलो थोड़ा पास जाके देख के आते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी में जाना तो अलाउड नहीं था, पर आप यहाँ पास में जाके बैठ सकते थे, पानी में पैर डाल के भी बैठ सकते हो। अब ये हम कुल जलधारा के एंड में आ चुके थे। अब हमने कहा इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने कहा आप वापस चलते हैं। अब हम वापस लौट रहे हैं, तो अभी तक तो ऐसा कुछ यहाँ पे खास हमें मिला नहीं। बस हाँ ठीक है, आप शाम को यहाँ पे घूमने टहलने अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ आ सकते हो। हम फिर वापस जाने लगे तो मुझे पार्क दिख रहा था और मुझे पार्क में झूला झूलने का मन कर रहा था। मम्मा ने कहा नहीं अभी टाइम नहीं है, झूला नहीं झूल सकते हैं। कोई बात नहीं, तो मैंने कहा चलो फिर कुछ और देखते हैं। अब ये तो मेरी आज की ट्रिप तो बोरिंग होने वाली थी। और यहाँ पे आंटी पानी पी रही है, प्यास तो मुझे भी लगी थी, पर बॉटल तो मैं साथ में लाया था तो मैंने तो अपनी बॉटल से ही पानी पी लिया। ये जलधारा कम, वैसे मुझे ना नाला ज़्यादा लग रहा था जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था, बस यहाँ बदबू नहीं आ रही थी। हाँ मैं अपनी मम्मा से कह रहा था कि भाई यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ आज। और यहाँ कुछ बांस के भी पेड़ थे, मैंने बांस के पेड़ देखे। ये देखो आप पानी देखो आप, यहाँ का बताओ इस पानी में आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हैं आप इतने गंदे पानी में आदमी क्या करेगा। मैं और मेरी बहन बस चल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। और यहाँ पे देखो दोस्तों एक ब्रिज भी है जिसके ऊपर चढ़ के अगेन लोग सिर्फ फोटो खिंचा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता, सब जगह जाके लोग फोटो ही फोटो फोटो हर जगह फोटो, यहाँ और कुछ है ही नहीं। मेरी मम्मा भी मुझे कह रही थी चलो बेटा फोटो खिंचाते हैं, उफ़ मैं तो परेशान हो जाता हूँ फोटो खिंचा खिंचा के। और ये देखो इस गंदे पानी में बच्चे बोटिंग भी कर रहे हैं। नहीं मम्मा ने कहा तुम भी कर लो, मैंने कहा नहीं मुझे इस पानी में बोटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है। ओके तो यहाँ मुझे मिला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग गेम्स, तो मैंने मम्मा से ज़िद की मुझे ही गेम्स खेलने हैं, क्योंकि मैं बहुत बोर हो चुका था और बहुत गर्मी भी लग रही थी यहाँ पे। तो फिर मम्मा ने टिकट की कॉस्ट पूछी, तो हर गेम की कॉस्ट थी 50 रुपीज़, तो ठीक है। और ये देखो यहाँ पे एक जलपरी जी भी खड़ी है जहाँ पे फिर से लोग फोटो खिंचा रहे हैं, मैंने तो नहीं खिंचवाई। तो ये देखो दोस्तों, पहले मैंने किया बलून शूटिंग, तो मैं ट्राई कर रहा था, मेरी मम्मा मुझे सिखा रही थी कि कैसे शूट करना है। ओफो मेरा तो एक भी बलून नहीं फूट रहा है। अंकल ने मुझे चांस दिए 5, 5 में से अगर मैं 4 बलून फोड़ देता हूँ तो मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे। फिर भी मैंने ट्राई किया, फिर से मैंने फोड़ा और एक बलून तो दोस्तों मैंने फोड़ ही दिया था। उसके बाद मैंने फिर कोशिश की, मैंने एक और बलून फोड़ा, पर उसके बाद मैं बलून फोड़ नहीं पाया जिसकी वजह से मुझे टॉयस मिला नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब मैंने सोचा मैं कोई और गेम भी ट्राई कर सकता हूँ। वैसे यार की ना बंदूक तो मुझसे भी ज़्यादा भारी थी,
पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा था। मैंने दोबारा से एक और बार टिकट लिया और मैंने दोबारा से गन चलाने की ट्राई की, पर फिर भी मैं कोई प्राइज़ नहीं जीता। मेरी मम्मा ने कहा, लाओ मैं ट्राई करती हूँ, हो सकता है मैं बंदूक चला सकूँ। मेरी मम्मा ने भी ट्राई किया और दोस्तों पता है मेरी मम्मा ने 5 में से 3 शॉट तो मार दिए थे, पर वो एक शॉट और अगर मार देती ना तो मुझे ना एक टॉय मिल जाता, पर मम्मा का एक शॉट और नहीं लगा। ये देखो अंकल बच गए, अंकल बेचारे सोच रहे कि ओफो आंटी ने तो मुझे अभी मार ही डाला था। बट सॉरी अंकल, हम आपको मारना नहीं चाहते थे। पर मम्मा से भी नहीं हुआ। अब मेरी दीदी ने कहा कि ठीक है मैं ये फुटबॉल वाला गेम ट्राई करूँगी, तो हमें ये ग्लास एक बार में सारे ग्लास गिराने हैं। इसकी टिकट भी 50 रुपीज़ थी। तो मेरी दीदी ने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ, ये तो बहुत आसान लग रहा है। ये देखो मेरी दीदी निशाना लगाया, ओह ये देखो नीचे का तो एक भी ग्लास नहीं हिला। अब ये देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं, तो अंकल आंटी इनके मुंह में से मुझे बॉल डालनी है। अगर मैंने 3 बार बॉल डाल दी तो अगेन मुझे कोई टॉय मिल सकता है और गिफ्ट मिल सकता है, तो मैं तो बहुत खुश था। ओफो यार ये जा ही नहीं रही थी, वहाँ पर बार बार आ रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था। अरे फिर से एक भी बार बॉल नहीं गई, चलो एक और बार ट्राई करूँ क्या। मैं सोच रहा था क्या करूँ, मैं निशाना लगाने की कोशिश तो कर रहा था और मैंने एक बॉल डाल दी दोस्तों, तो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, बट कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि एक बॉल जाने से मुझे कोई प्राइज़ तो मिलने ही नहीं वाला था, और मैंने दूसरी भी डाल दी। उन्होंने अगर मैं एक बार और डाल देता ना तो मुझे प्राइज़ ज़रूर मिल जाता। अब मम्मा ने कहा चलो बहुत हो गया, अब हम वापस चलते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। अब हम वापस अपने रास्ते घर के लिए लौटने लगे, तो हम फिर पार्क का नज़ारा लेते हुए जा रहे थे। जलधारा, ये है जलधारा, तो आपने देखा यहाँ कितना सारा जल है और कितनी सारी धारा है। तो दोस्तों आप भी यहाँ पे घूमने वैसे आ सकते हो, वन टाइम वॉच के लिए तो ये जगह बहुत अच्छी है, पर मुझे नहीं लगता मैं जयपुर में रहकर यहाँ बार बार जाना चाहूँगा क्योंकि ये इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर मुझे भैया दीदी ही दिखाई दिए। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और फोटो स्पॉट है, यहाँ पे आप अपने चप्पल जूते उतार कर पानी के पास जा सकते हैं और फोटो खिंचवा सकते हैं। ये आप देख रहे हो पत्थर से पानी गिर रहा है ऊपर से, तो ये भी एक स्पॉट था जहाँ पे लोग अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। बट हाँ दोस्तों आप नहा नहीं सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो लेना अलाउड था, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप जाके वहाँ नहा लोगे। पर मैं तो वहाँ नहीं गया चप्पल जूते उतार के कि वहाँ पर मुझे फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी। और ये देखिए यहाँ पे एक और फाउंटेन मुझे मिला जिसमें से पानी निकल रहा है। तो दोस्तों हमने थोड़े मज़े तो कर लिए थे, अब लगी थी मुझे भूख। मैंने मम्मा से कहा मुझे जल्दी जल्दी भी अच्छा अच्छा खाना खिला दो, कम से कम वहाँ तो मुझे कुछ मज़ा आए। तो इस जलधारे के बाहर एक रेस्टोरेंट था जहाँ हमने जम के खाया और फिर हम अपने घर वापस चले गए।